Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today, in this video of class 7th biology, we'll study about nutrition in animals. We'll be starting this chapter today. Let us start this topic. All animals, including humans, need certain nutrients to stay alive and grow. Sare animals ho, human beings ho, sabhi ko kya chahiye? सर्टेन न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी है इन ऑर्डर टू लीव एंड ग्रो, टू रिपेयर आर टिश्यूज, ठीक है, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आर बॉडी सिस्टम, फॉर द प्रॉपर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ आर बॉडी. इन सभी चीज़ों के लिए किस चीज़ का होना जरूरी है? न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी है. और ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम फूड. दिस न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड. ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है. The food you get is not in a form that can be instantly provide you with the nutrients. Or food jo hum lete hain, the food we take in does not directly provide us with the energy. Wo directly humko energy ya nutrients provide nahi karta hai. First, it has to be broken down into small particles. Pehle wo small particles mein toda jata hai ya pehle usko toda jata hai kis cheez mein? Small particles mein ya small particles mein wo tootta hai. This particle then must be changed into simple soluble form which the body can absorb. और इस particles को फिर simple soluble form में convert किया जाता है so that they can be absorbed easily by the body. ठीक है, only then food can provide nutrients. और इसी के बाद जो food है वो हमें nutrients provide कर सकता है. तो क्या याद रखना है आपको? सबसे पहला, फूड जो हम लेते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है और वो ब्रेकडाउन के बाद उसको सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है सो दैट इट कैन बी इजिली एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी. क्लियर? द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स दैट टेक इन सॉलिड फूड आर एज फॉलोज. और वेरियस प्रोसेसेस न्यूट्रिशन में कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, नेक्स्ट यू हैव एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजिशन. ये कुछ प्रोसेस हैं जो फूड इनटेक के बाद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं. ठीक है, तो अब देखते हैं एक एक प्रोसेस को एक एक करके. इंजिशन, इंजिशन इज द टेकिंग इन ऑफ फूड. जो फूड को हम इनटेक करते हैं, द फूड दैट वी टेक इन, इनटेक ऑफ फूड, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को इंजिशन बोला जाता है. व्हाट डू वी कॉल दैट प्रोसेस एज? वी कॉल दैट प्रोसेस एज इंजिशन. क्लियर? इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन फूड थ्रू माउथ एंड ईटिंग इट. और इंजिशन में क्या होता है? टेकिंग इन ऑफ फूड थ्रू माउथ एंड देन ईटिंग इट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंजिशन. क्लियर? फूड हमारे माउथ के थ्रू इंटेक हुआ है, वो स्टमक तक गया. स्टमक में क्या होता है? डाइजेशन. क्या होगा? डाइजेशन. डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस मेड इन द बॉडी. डाइजेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड. फूड को जो आपका बड़ा पार्टिकल्स है फूड का, उसको सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. बिगर पार्टिकल्स जो फूड का है उसको सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सो दैट इट कैन बी इजिली एब्जॉर्ब बाय योर बॉडी. तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डाइजेशन बोला जाता है. क्लियर? नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इन द सॉल्यूबल फॉर्म पासेज इन टू द बॉडी फ्लूड एज सच एज ब्लड. और एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? जो सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म में जो फूड कन्वर्ट हुआ है, दैट पासेस इनटू द बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड. ब्लड में जो एंटर करता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोला जाता है. क्लियर? नेक्स्ट इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एब्जॉर्ब फूड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ. और एसिमिलेशन किसको बोलते हैं? यूजिंग दिस एब्जॉर्ब फूड फॉर द पर्पस ऑफ जेनरेटिंग एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ. एनर्जी जनरेट करने के लिए और ग्रोथ के लिए. क्लियर? और लास्ट में क्या होता है? इजिशन. इजिशन का मतलब क्या है? एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को हम लोग शरीर से बाहर करते हैं. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इजिशन बोला जाता है. तो आपको याद रखना है प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ? इंजिशन, टेकिंग इन ऑफ फूड. डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड. एब्जॉर्प्शन, टेकिंग इन ऑफ सॉल्यूबल फॉर्म ऑफ फूड इन टू द ब्लड. एसिमिलेशन, यूजिंग दिस फूड मटेरियल टू जनरेट एनर्जी. एंड लास्ट इज इजिशन, मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल का रिमूवल. दीज आर द स्टेप्स.
Clear? We'll see nutrition in amoeba, hydra and frog. The unicellular amoeba engulfs tiny food by throwing its fall food called as pseudopodia around it. जो यूनिसेलुलर एनिमल जो है अमीबा, वो फूड किसके मदद से कैच करता है? विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज श्यूडोपोडिया. ये चीज आपका वर्ड का स्पेलिंग के साथ में याद रखना बहुत जरूरी है. दिस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर. ठीक है, वॉट इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ अमीबा नोन एज? इट इज कॉल्ड एज श्यूडोपोडिया. क्लियर? The pseudopodia joins together to form a small cavity called as food vacuole. और pseudopodia एक दूसरे के साथ join करता है और क्या बनाता है? It forms food vacuole where digestion of food takes place. Clear है? Food inside the vacuole is digested by digestive juice. और food vacuole में food का digestion होता है. It is absorbed and assimilated there to provide energy and perform other function. और वो वहाँ पे absorb होता है और assimilation होता है to provide energy for the various body activities or various functions of the body. Clear? Hydra में देखते हैं, Hydra में कैसे होता है. Hydra is a simple multicellular animal. It has a number of tentacles around its mouth which are used for ingestion of food. Hydra में tentacles होते हैं mouth के around में. ठीक है, they've got hand like स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम टेंटिकल्स बोलते हैं. सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड एज टेंटिकल्स इन हाइड्राज. और ये किस चीज़ में मदद करते हैं? दे हेल्प देम इन इंजिशन ऑफ फूड, मीन्स टेकिंग इन ऑफ फूड. क्लियर? जैसे आप देखो ऐसा हाइड्रा है, हाइड्रा में ये ऐसे फिंगर जैसा स्ट्रक्चर है. क्लियर? ये स्ट्रक्चर किस चीज़ में मदद करेगा? ये टेकिंग इन ऑफ फूड, इंजिशन ऑफ फूड में मदद करेगा. The tentacles entangles small aquatic animals and kills them with their sting cells. और tentacles, इसमें कोई भी smaller animals आ जाता है वो इसमें फंस जाता है. ठीक है, and then they kill them with the stinging cells. ठीक है, they then push them into the mouth. Inside the body cavity, the digestive juice secreted by the surrounding cell help to digest the food. और through mouth it goes into the digestive system where with the help of digestive juices it is digested. Clear? This is then absorbed through the cavity wall and assimilated in the cells. और ये absorb होता है किसके मदद से? Cavity wall के मदद से. इसके internal walls के मदद से food का absorption होता है and it is assimilated into the cells. Clear? ये आपका hydra का system है. Next है frog. How this process of taking in a food takes place in frog, we'll see this. The frog uses its long sticky tongue to catch insects. Frog have a well-developed digestive system in which food is digested with the help of digestive juices. Aur frog kis cheez ka use karta hai? Frog apne tongue ka. Suppose kijiye this is the mouth of a frog, to frog apne tongue ka use karte hain. It uses its tongue to catch its प्रे. अपने प्रे को या इंसेक्ट को कैच करने के लिए किसका यूज़ करता है फ्रॉग? इट यूजेज इट्स टंग. क्लियर? और इसके पास वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जहाँ पे वो इंसेक्ट का डाइजेशन होगा. क्लियर? नेक्स्ट इज द यूनिसेलुलर पैरामीशियम हैज ए स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया. ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीलिया. पैरामीशियम का डाइजेशन किसके मदद से होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज सीलिया. क्लियर? Which are used for ingestion. और ये ingestion process में मदद करता है. ठीक है, hair like process जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं. और ये किस चीज़ में मदद करता है? ingestion में मदद करता है. The constant movement of cilia pushes the food particle into the mouth like structure of paramecium. The rest of the nutrition process are similar to those in amoeba. और जो आपका सीलिया जो है उसका कांस्टेंट मूवमेंट के कारण फूड पार्टिकल माउथ में जाता है, और माउथ में जाने के बाद जैसे आपका अमीबा में सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस के कारण उसका डाइजेशन होता है, ठीक उसी प्रकार पैरामीशियम में भी उसी प्रकार फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है. क्लियर? नेक्स्ट, अ स्पाइडर. अ स्पाइडर वीव्स अ स्टिकी वेव. स्पाइडर क्या करता है? एक स्टिकी वेव वीव करता है. ठीक है, इन विच स्मॉल इंसेक्ट गेट स्टक. इससे वेव लाइक स्ट्रक्चर ऐसे किया. ठीक है, इसमें स्मॉल स्मॉल जो एनिमल्स हैं वो फंस जाते हैं. दे गेट स्टक्ड इन.
इमेजिन आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, दे गेट स्टक इन हियर, ऐसे स्टक कर जाते हैं. क्लियर? ये स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स हुए विच डाइजेस्ट द बॉडी पार्ट. इट देन इंजेक्ट्स डाइजेस्टिव जूसेस इन द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट विच डाइजेस्ट द पास्ट ऑफ द इंसेक्ट. और इसके बाद ये बॉडी पार्ट्स से अपना डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करता है जो इंसेक्ट को डाइजेशन में मदद करता है. जो इंसेक्ट अंदर गए पेट के अंदर में, उनका डाइजेशन होता है उसी डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से. क्लियर? दस द डाइजेशन ऑफ ए स्पाइडर्स फूड एक्चुअली टेक प्लेस आउटसाइड द स्पाइडर्स बॉडी. और डाइजेशन ऑफ स्पाइडर्स फूड कहाँ होता है? स्पाइडर के बॉडी के बाहर होता है. कहाँ पे? उस वेब में, स्पाइडर के वेब में. क्लियर? द स्पाइडर देन सक्स द डाइजेस्टेड फूड. और ये जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, स्पाइडर देन सक्स दोज डाइजेस्टेड फूड मटेरियल. क्लियर? सो दिस इज हाउ the process of digestion takes place in a spider, and that too outside their body, not inside their body. Clear? Next, mosquito. ये बहुत important है. Mosquito का digestion बहुत important है. यहाँ आपको याद रखना है, mosquito sucks up the blood of an animal with its proboscis. ये word आपको याद रखना है. This is the ये slender-like structure, ठीक है, stinging cells जो इनको ब्लड एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? प्रोबोस्किस. क्लियर? द हाउस फ्लाई ऑल्सो लीव ऑन लिक्विड फूड. इट यूजेड इट्स सलाइवा टू डिजॉल्व द फूड एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन. और हाउस फ्लाई भी किस पे रहता है? लिक्विड फूड पे रहता है, ठीक है. देन इट सक्स अप द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ इट्स फीडिंग ट्यूब. द बटरफ्लाई ऑल्सो यूजेड इट्स प्रोबोस्किस टू सक द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर. और बटरफ्लाई भी लिक्विड फूड पे रहता है, वो भी प्रोबोस्किस का यूज़ करते हैं टू सक अप द फूड मटेरियल. क्लियर? अंडरस्टूड? सो वी स्टडी टुडे अबाउट द डिफरेंट मेथड्स, हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा. क्लियर? वी स्टडीड अबाउट पैरामीशियम, वी स्टडीड अबाउट स्पाइडर, we studied about mosquito, how all these get its food. Clear? We studied about all these things in the video. Clear? That's all for today in this video, everyone. Thank you. Stay home, stay safe, and keep studying.